हेलो एवरीवन, आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 250 ग्राम अरबी लिया है और इसे सबसे पहले छील लेंगे। तो ये अरबी की जो दाल वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप बनाकर खाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप एक बार बनाकर खाइएगा तो दोबारा आप ज़रूर बनाइएगा, इतना ये स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले इस तरह से इसे छील लेना है, तो अच्छी तरीके से इसका छिलका हटा लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे छील लिया है एक, तो इसी तरीके से सभी को छिलका को हटा लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी छिलका हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को छील लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो मैंने इसे धो लिया है अरबी को। मैं इसे लंबे साइज में काटूँगी। आप चाहें तो इसे गोलाई में भी काट सकते हैं, आपको जैसा पसंद उस तरीके से आप अरबी को काट सकते हैं, पर ना तो ज़्यादा इसे मोटा काटिएगा ना ज़्यादा पतला। तो मैं इस तरीके से, देखिए, ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, इस तरीके से मैं काट रही हूँ। ऐसे काटने से सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक जाता है, और अगर ज़्यादा मोटा काटिएगा तो वो गलता नहीं है, और ज़्यादा पतला काटिएगा तो बिल्कुल गल जाएगा। तो ये साइज़ बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर लहसुन मेरे छोटे साइज के है, तो मैं यहाँ पर 10 से 12 ले रही हूँ, और अदरक 1/2 इंच, और मिर्ची मैंने हरी मिर्ची 3 लिया है। तो आप अपना जितना भी तीखा खाते हैं उस अनुसार यहाँ पर मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अदरक लहसुन को बिल्कुल ही छोटे टुकड़ों में, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। मिर्ची को भी इसी तरह से मैं बारीक काट लूँगी, और इसे भी रख लेती हूँ। और मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, तो इसे भी छोटे टुकड़ों में ही काटेंगे, बड़े टुकड़ों में नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से मैंने प्याज भी यहाँ पर काट कर रख लिया है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सभी को पहले से काट कर रख लेंगे, ताकि पकाने समय बहुत जल्दी ये सब्ज़ी पक जाए। तो इस तरीके से मैंने टमाटर को भी छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर मसूर की दाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मसूर की दाल ली है। इसके साथ, अरबी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जब पक जाता है दोनों, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर 250 ग्राम अरबी के लिए 100 ग्राम दाल बहुत ही काफ़ी है, बहुत अच्छा दोनों का मात्रा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चूल्हे को जलाकर कढ़ाही चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पर 1 चम्मच मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। और तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो सब्ज़ी को जब भूनेंगे तो पकड़ने लगता है, इसीलिए धुआं आने तक तेल को गर्म करना है। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला, प्याज, और यहाँ पर 2 तेज़पत्ता डाला है मैंने, और उसके साथ यहाँ पर अरबी को भी डालेंगे। मतलब एक साथ ही प्याज और अरबी को यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 2 मिनट के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन को, जो मैंने बारीक काटा था, उसे डालेंगे। अगर आप पेस्ट ले रहे हैं अदरक लहसुन का, तो यहाँ पर नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएगा। और यहाँ पर मिर्ची को भी मैं जो काटी थी उसे डालेंगे, और साथ में इसे भूनेंगे जब तक कि ब्राउन कलर प्याज का ना आ जाए, और अच्छी तरह से अरबी ना भून जाए, और यहाँ पर अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो यहाँ पर मुझे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नमक भी डाल रही हूँ, ताकि अरबी के अंदर अच्छी तरह से नमक चला जाए और अरबी भी पक जाए, और यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन सभी भून जाए अच्छी तरह से। तो देखिए, यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुका है मीडियम फ्लेम पर, और अच्छी तरह से प्याज भी भून चुका है, और अदरक लहसुन से काफ़ी अच्छा खुशबू भी आने लगा है। तो यहाँ चुटकी भर मैं हींग डाल रही हूँ, और इसे डालकर कुछ सेकेंड तक भूनेंगे। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, तो इस तरह से जब प्याज और अरबी भून जाए तब डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद देखिए, अब भून चुका है अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से, अरबी भी भून चुका है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी पानी डाला है, और बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने। उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर,
आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पर काली मिर्ची लिया है। कलर के लिए मैं काश्मीरी मिर्च यहाँ पर डालूँगी आधा चम्मच, तो इसे भी डाल देते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक सारे मसाले को भूनेंगे। तो अब काफ़ी अच्छा मसाले का यहाँ खुशबू आने लगा है। 3 मिनट हो चुका है तो मैं अब टमाटर डालूँगी और टमाटर को भी मैं यहाँ पर 2 मिनट तक भूनूँगी। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर टमाटर को 2 मिनट भून चुकी हूँ। उसके बाद मैं धोया हुआ दाल को डाल रही हूँ यहाँ पर, मसूर दाल को, और इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है दाल को और कम भी नहीं भूनना है। तो यहाँ पर 1.5 मिनट भून लेना है दाल को। तो मैं यहाँ पर देखिए 1.5 मिनट हो चुका है दाल को भूनते हुए। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी डाल दूंगी और गिलास में मैं यहाँ पर 2 गिलास डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसे एक बार मिला लेते हैं। अब फ्लेम को कर देंगे हाई और यहाँ पर कसूरी मेथी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। इसको डालने से सब्ज़ी में वो काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से मैं मसलते हुए कसूरी मेथी को डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं गरम मसाला डाल दूंगी। तो इसे भी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। इसे एक बार मिला लेते हैं और ढक्कन ढककर इसे एक उबाल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। तो देखिए अब 1 मिनट हो चुका है और काफ़ी अच्छा से सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी और लो फ्लेम पर मैं इसे 10 मिनट तक पकने दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ तो दाल गल चुका है देखिए, और अरबी भी पूरी तरीके से पक चुका है। तो दाल को इसी तरीके से पकाना है, दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर ज़्यादा दाल गल जाएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। दाल यहाँ पर पक चुका है पर गला नहीं है, तो इसी तरीके से पकाना है। ऐसे ही पकाने से यहाँ पर अरबी और दाल का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रोटी चावल जिस किसी से भी खाइए, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।